आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। मैंने बनाई नहीं है, सर ने आपको शेफ रहमानुल्लाह साहब ने सिखा दी थी, जो क्रिक क्लब से आए थे हमारे शो पे एक हफ्ते में, बेकिंग वीक के हफ्ते में उन्होंने सिखाया था पफ पेस्ट्री कैसे बनाते हैं। मैंने रेडीमेड ली हुई है और इसको हम बेलेंगे। यहाँ मेरे पास एक कुकी कटर है, इससे हम काटेंगे और फिर हम ये पैटी टिन्स हैं, देखें ये कपकेक के टिन्स नहीं हैं, ये इस तरह के थोड़े शैलो होते हैं, इन पैटी टिन्स में हम रख देंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे। लेकिन बेक करेंगे तो फिलिंग करेंगे, मक्खन है, चीज़ है, अंडा है और पैप्रिका पाउडर है, ये सारी चीज़ें एक बोल में डाल के मिक्स करेंगे। चॉकलेट्स रखेंगे यहाँ काट के और फिर हम उसके अंदर ये फिलिंग करके उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आज बेक करेंगे। दूसरा तमाम बेकिंग में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करती हूँ। पफ पेस्ट्री की जो चीज़ें होती हैं थोड़े हाई टेम्परेचर पर होती हैं, तो ये 200 डिग्री पे होगा, ठीक है जी। ओके, पफ पेस्ट्री आपने रोल आउट कर दी, आधा किलो है। बहुत मोटा नहीं रखिएगा येट, बहुत पतला नहीं, ठीक है, ये फूलेगा अपॉन बेकिंग। और बाइट साइज ही करते हैं इसको भी, बिकॉज वी वॉन्ट के सूप के साथ सर्व हो तो अच्छा सा बाइट साइज कुछ होना चाहिए। ओके, हमेशा मैं कुकी कटर को डिप करती हूँ इस तरह मैदे में ताकि चिपके ना। देखें ये जो है ना, ये इतना सा इसके अंदर अच्छी तरह आ जाएगा, फिट हो जाएगा। इस तरह हम करते जाएंगे, कोई भी फिलिंग आप कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। और इसको हम भरते जाएंगे, जो ये फिलिंग है हमारी बहुत ही थोड़ी थोड़ी हम डालेंगे, ठीक है। बेसिकली ऐसे समझिए कि एक ग्लेज ही लगेगा ऊपर, नॉट लॉट ऑफ फिलिंग ऑन टॉप, सपोज टू बी नाइस एंड लाइट। ओके, एक और फिर दो तीन हम उसमें भी भर देंगे। ये आपको यहीं से मिल जाते हैं, मैंने ये यहीं से लिए हैं, पैटी टिन्स इनको कहते हैं। ओके जी, अच्छा थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे एंड देन दोबारा रोल कर देंगे। बाय वेस्ट ना इतना सा बाकी है, तो लेट्स जस्ट रोल इट आउट एंड यूज इट अप। थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा है, एक ही साइज के रखिएगा ताकि यूनिफॉर्म बेक हो जाए, इक्वली बेक हो, ठीक है। इसको हम भर देते हैं, दो ट्रेज हमारी रेडी हो जाएंगी। फिर हम मक्खन और चीज, अंडा और पैप्रिका, पैप्रिका नहीं हो घर में तो आप कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें, कुछ भी डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक।
ओके ऑल डन जी। निदा है कराची से हमारे साथ लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए, मुझे आवाज आ रही है, लाइन कहीं कट ना जाए। जी आप कैसी हैं? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और आप बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग आवर शो। जी थैंक यू सो मच, एंड मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप भी, थैंक यू, देखते रहिएगा हमारे सारे शोज, थैंक यू सो मच। ओके जी, अ लिटिल बिट ऑफ क्लीन अप और हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे, एक बोल में ये जो सारी चीजें हैं ना, यहाँ एक अंडा है, चुटकी भर थोड़ा सा हम डालेंगे पेपरिका पाउडर, ग्रेटेड चेडर चीज है और मक्खन है, इसको एक बोल में डाल के मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालना, मैं शुरू कर दूंगी बिकॉज आई वॉन्ट कि एक ट्रे जल्दी से चली जाए, फिर हम सूप पे आएंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज।